Roshni sir. शीघ्र कीजिए, ये पालू का दर्द है। हुकुम सिंह, क्यों किया तुमने ऐसा विश्वासघात? हुकुम सिंह, हमारे दादी राज ने तुम पर इतने उपकार किए, ये जानते हुए भी कि तुम एक सेना से निकाले हुए की संतान हो, उन्होंने तुम्हें एक सैनिक से सूबेदार बनाया और तुमने। इसमें हमारी गलती थोड़ी, इसमें तो राणा जी की गलती है। हमारे तो रक्त में शुरू से ही बेईमानी है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हुकुम सिंह, नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें पकड़ोगे तब जब इस दलदल से बाहर जीवित निकलो। तुमसे तो हमारा अश्व भी हजार गुना अधिक स्वामी भक्त है। आज आपको पता चल जाएगा कुंवर प्रताप, ये स्वामी भक्ति आपके काम नहीं आने वाली। गुरु क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। से बड़ी गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकती थी अनुज। मेवाड़ के साथ युद्ध होगा, हर बात का निर्णय अब कुंभलगढ़ में होगा। क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस युद्ध में आप कुंवर प्रताप का कोई अहित नहीं होने देंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे। भाई साहब, अजबदे का संदेश है आपके लिए। भाई साहब, जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? आज ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अजबदे के साथ मैत्री से सदा केवल आप ही को लाभ हुआ है।
ये क्या हालत बना रखी है? ना मुख पे मुस्कान, ना किसी से बोलना। आप पढ़ क्यों नहीं लेते इन अजब दे के संदेश? आपका मन हल्का हो जाए। हमें किसी का संदेश नहीं देना। माना कि इस चोर बालू के दलदल से बचने के लिए आपको अभूतपूर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन आज ना आपका साहस काम आएगा और ना ही अभूतपूर्व शक्तियां और ना ही अश्वसारण की स्वामी भक्ति। चलो भाई चलो, अभी तो कुंवर शाह के साथियों की मृत्यु का भी शोक मनाना है पीरागढ़ में। चलो हुकुम सिंह, यदि हम नहीं बच पाए इस चोर बालू दलदल से तो तुम भी नहीं बच पाओगे इससे। बचाओ! अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, काटो इस रस्सी को। हुकुम सिंह छोड़ दो, पे छोड़ो। पागल हो गए क्या? छोड़ूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, मरवाना चाहते होगे मुझे। यो या मरो, क्या फर्क पड़ता है हमें? प्रताप मरना चाहिए बस। मूल्य पर अपने सुरक्षा दौर को मुगल आक्रमण से बचाना है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! क्या आप बता सकती है जयंता भाई जी कि कुंवर प्रताप कहां गए? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य पता होगा कि कुंवर प्रताप कहां है। उत्तर दीजिए जयंता भाई जी, कहां गए हैं कुंवर प्रताप? राणा जी, पावजी राज पीरागढ़ की ओर गए। पीरागढ़? जयंता भाई जी, अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि फिर से उन्होंने अपनी अंतरात्मा को सुना, जो उनसे बार बार यही कह रही कि जो हमारी मित्र सेना है वो मित्र सेना नहीं,
बल्कि शत्रु सेना। एक बात हम समझ नहीं पाते जयंताबाई जी, कि कुंवर प्रताप को बार बार विद्रोह क्यों करना पड़ता है। हम उनसे जो भी करने को कहते हैं वो उसका उल्टा ही क्यों करते हैं। कुंवर प्रताप ने हमसे कहा था, बल्कि 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 क्या जयंताबाई जी? हमें संदेह है रानी माँ, कि जो तीन राज्यों की सेना यहाँ हमारी सहायता के लिए आई हुई है, वो हमारे बड़े शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध रचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आपके अंतरात्मा की सुनो और किसी की नहीं, बल्कि हमने ही उन्हें अपने अंतरात्मा के संकेतों का अनुसरण करने के लिए कहा था। कैसी माँ हैं आप जीजा? आप जानती हैं कि चारों ओर से संकट है, इसके बाद भी आपने कुंवर प्रताप को जाने दिया। शांत हो जाइए धीर भाई जी, अभी अभी हमने अपने पूर्वजों को आहुति दी है, संभवतः उनकी पुण्य आत्माएं अभी भी इस कक्ष में उपस्थित हैं और हम उनकी शांति को भंग नहीं करना चाहते। रावत जी, अपने विश्वस्त सैनिकों से कहिए कि वो शीघ्र जाकर कुंवर प्रताप को वापस लेकर आए। जी राणा जी। जब से आप यहां आई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस सब में इनका क्या दोष है धीर भाई जी? जीजा, हम आपस में चाहे कितना लड़ लें, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के लिए आप हमारी बात मत काटिए। बचाओ मुझे, तुम लोग खड़े क्यों हो? मारो इन्हें। मारो, मारो। देखा हुकुम सिंह, विश्वासघातियों को संकट में कोई बचाने नहीं आता। तुमने इन शत्रुओं के लिए हमारी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया, और अब देखो इनमें से कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता देशद्रोही, कोई नहीं। जी, मृत्यु तो निश्चित है, तो क्यों ना इन मुगलों को मार कर मरा जाए। जय हो एकलिंग महाराज की, आपने हमारा मन प्रसन्न कर दिया राणा खेता जी। हम इन मुगलों के रक्त से स्नान करके आते हैं, इन्हें भी तो पता चले कि इनके हजारों पर हम अकेले अधिक योग्य हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे खेता जी, ताकि हमें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। नहीं रतन सिंह जी, आप यहीं रुकिए, अगर हमें कुछ हो गया तो आप उन्हें रोकेंगे, आपको भी अवसर जरूर मिलेगा। हर
हर महादेव, हर हर महादेव।
हर 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 महादेव, जय मेवार। दरवाजे के साथ साथ इसे भी खत्म कर डालो। टूट गया बल हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुख से फहराता वो ध्वज का इकबाल बुलंद हो। खबर मिली है कि प्रताप हुकुम सिंह के बनाए फनाने से निकलने में कामयाब हो गया। और आजाद होते ही उसने हुकुम सिंह और वहां पर मौजूद मुगल टुकड़ी के सभी सिपाहियों को मार दिया है। हुजूर, हम ये सोच रहे हैं खान बाबा, ये जंग तो निहायत ही बेमजा होती जा रही। बेमजा? हाँ खान बाबा, हम कर क्या रहे हैं? ये मुगल राजपूतों से लड़ रहे हैं तो इसमें नया क्या है, रोज ही लड़ते हैं। कैसे कैसे इस जंग को मजेदार बनाया जाए, हमारे लिए, प्रताप के लिए। हो सकता है कि प्रताप जाल से निकलकर यहां आ जाए और हमारे नासिर की फौज को हरा भी दे, तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है उसके लिए खान बाबा। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो हो जाए जो प्रताप कतई नहीं चाहता हो। मेवाड़ मारवाड़ के बीच युद्ध देखने के लिए हम जौहर बरसी के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। इस महायुद्ध का यलगार करना ही पड़ेगा। हम कुछ समझे नहीं शहंशाह, क्या करना चाहते हैं? खान बाबा, ये जो हमारी फौज लड़ रही है, क्या इनमें से सभी सिपाहियों को आप शक्ल से जानते हैं? सभी सिपाहियों?
शहंशाह कम से कम 1000 सिपाही हैं वहां, सबको शक्ल से पहचानना तो नामुमकिन। हाँ, यही तो हम भी सोच रहे हैं। मान लीजिए इनमें से कुछ सिपाहियों को हम मारवाड़ के सिपाहियों के कपड़े पहनाकर बेरहमी के साथ मार दें और उन्हीं कटी लाशों को मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दें, तो फिर मालदेव शर्तिया प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा, है ना खान बाबा? शहंशाह क्या कह रहे हैं आप? अपने ही सिपाहियों को मारेंगे? क्यों, इसमें क्या है? ये सिपाही हैं और सिपाहियों का तो काम ही होता है मरना, और फिर अपने शहंशाह के लिए जान देने से बेहतर मौत हो भी क्या सकती है इनके लिए? मरने दीजिए कुछ सिपाहियों को हमारे लिए और अपने सल्तनत के फायदे के लिए, और फिर जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेंगे तब बहुत मजा आएगा खान बाबा। मार दीजिए कुछ सिपाहियों को। लेकिन शहंशाह। हाँ खान बाबा, हम कह रहे हैं ना, मार दीजिए कुछ सिपाहियों को। दरवाजा तोड़ दो।
हमें छोड़ दीजिए इंसान का, हमें छोड़ दीजिए। टेंशन टेंशन नहीं, हमें माफ कीजिए। टेंशन में मत मारिए सर, टेंशन टेंशन में मत मारिए सर, टेंशन मरना नहीं चाहते टेंशन का। हमारे जाबाज सिपाहियों, मुगल सल्तनत और अपने वतन के लिए दी गई ये शानदार कुर्बानी आप सभी को जन्नत अता फरमाए। माफ कर दीजिए एक मिनट की आशीर्वाद से ये आपको भी बदलने लगा। अब तो कुछ नहीं होगा चक्रपाणि, कहीं हम आपको किसी सुरक्षित स्थान में ले चल जाते हैं। जी गुरु। हम किसी भी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम आशा करते हैं प्रताप कि आपका हमारा संदेश मिल गया। नहीं आ सकते, बस रक्षा द्वार को खुले नहीं देंगे। गुरु आप ठीक तो हैं?
विह्वल हो गए हताश आंखें हैं नम दुर्ग से फहराता बोध्वज कहे समय आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। अभी खोलिए गुरुवर। समय है गुरुवर। गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर हम आ गए। गुरुवर के बलिदानों को यूं दे। गुरुवर हम आ गए। हम आ गए। गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर 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 है।